हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अपना अकाउंट आप यूट्यूब पर कैसे बनाएं। सो यूट्यूब पे अपना अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, अपना चैनल कैसे बनाएंगे आई मीन टू से। सो इसका मैं बेसिक स्टेप्स बताऊँगी जो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप सिंपली, क्योंकि आपको पता होगा आप कहीं भी कोई भी अकाउंट अपना बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप करने के लिए बोलता है, अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलता है। तो आपको वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्वियसली सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है। अपनी ईमेल आईडी से, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी से अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं या फिर आप साइन अप करते हैं। तो वैसे ही अगर आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर तो सबसे पहले ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरह से चैनल को आप कस्टमाइज़ करेंगे, चैनल को किस तरह से प्रॉपर चैनल बनाना ही एक बड़ी बात नहीं होती है, उसकी सेटिंग भी करनी होती है। तो मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बताने जाने वाली हूँ यहाँ पे। मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताने जा रही हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ईमेल आईडी क्रिएशन से लेकर के ईमेल आईडी से अपना चैनल कैसे बनाएंगे आप यूट्यूब पर, उसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे, किस तरह से आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, किस तरह की सेटिंग के बाद आपका चैनल लोगों के बीच में जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, आपको आप कुछ भी अपलोड करते हैं तो किस तरह से ऑडियंस के बीच में उनकी रीच कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ लाइक इट एज वेल। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यूट्यूब, अपना यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब में आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओपन हो गया है, मेरा चैनल एंटरटेनमेंट नाम से है। आपको नीचे कॉर्नर में एंटरटेनमेंट का लोगो भी दिख रहा होगा रेड कलर का। आप सबसे पहले अपने चैनल पे यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करते ही आपको सबसे नीचे कॉर्नर में दिख रहा होगा यू लिखा होगा, यू पे क्लिक करेंगे। आप यू पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं चैनल दिखने लगा आपको, चैनल का नाम है एडुटेनमेंट आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे यू व्यू चैनल का ऑप्शन है यहाँ पर, एंड यहाँ पे स्विच अकाउंट का है। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी। व्यू चैनल पे क्लिक करते सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लिक करके एक बार दिखा देती हूँ कि चैनल किस तरह से, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब आप अपना चैनल बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सेट करनी पड़ती, किस तरह की सेटिंग होती हैं, राइट। सो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे अपने चैनल पे, आपका जो नाम है चैनल का उस पर क्लिक करेंगे। ओके आप व्यू स्विच अकाउंट पे एक बार क्लिक करेंगे। व्यू चैनल पे आपने क्लिक किया तो आपको दिख गया कि किस तरह से आपका जो देखिए अभी यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है, यूट्यूब का लोगो दिख रहा है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हैंडल, हैंडल क्या होता है, हैंडल वो होता है कि जिसके थ्रू अगर कोई सर्च करता है आपके चैनल को तो हैंडल के थ्रू भी सर्च कर सकता है वो, राइट। आपका हैंडल शो करता है जब कोई भी आपकी वीडियोज़ को देखता है तो आपका हैंडल शो करता है, आपकी यूट्यूब का आपके चैनल का हैंडल शो करता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपका लोगो हो गया और यहाँ पर ये जो दिख रहा है छोटे छोटे सारे यूट्यूब, यहाँ पे इंस्टाग्राम और बाकी ये बुक्स वगैरह ये सब दिख रहा है, ये हैंडल होता है। तो हैंडल इस तरह से बनाते हैं हम। आई होप आपको ये विजिबल होगा, क्लियर होगा। एंड आप देख रहे होंगे इस पे जो हैंडल है वो ये है, एडुटेनमेंट तो चैनल का नाम है, और उसके नीचे आप देखेंगे @edutainment89, ये हैंडल है। ये हैंडल क्रिएट करना ज़रूरी रहता है क्योंकि हैंडल के नेम से ही आपके वीडियोस देखते हैं लोग, हैंडल से सर्च भी कर सकते हैं आपके चैनल को, हैंडल शो करता है जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और लोग आपकी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पे आपका हैंडल भी शो करता है, राइट। एंड आप मैनेज वीडियो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हेलो एवरीवन लिखा है, इस पर मैंने एरो के निशान पर क्लिक किया तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, हियर आई एम प्रोवाइडिंग एंड टू एंड टेक्निकल एंड आईटी सपोर्ट, हुसोएवर इज लर्निंग न्यू टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग टेक्निकल एंड आईटी रिलेटेड इश्यूज। सो इस तरह के मैं वीडियोस बनाती हूँ। इसके अलावा मैं गेम्स पे की सेटिंग पे वीडियोज़ बनाती हूँ, बैंक की सेटिंग पे वीडियोज़ बनाती हूँ, एंड
कंप्यूटर एंड लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोस को भी बनाती हूँ मैं, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे मेरा चैनल का यूट्यूब का मेरा लिंक क्या है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है मेरा चैनल, मैंने इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन सी ईयर में मैंने ज्वाइन किया, जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अपना चैनल बनाते हैं यूट्यूब पर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, जिस दिन भी आप बनाते हैं उस दिन यहाँ पे आपका शो करता है उस दिन का। क्योंकि ये चैनल मैंने दिसंबर 12/2011 में बनाया था, राइट। इस चैनल पे पूरे व्यूज़ कितने हैं देखिए, क्वांटिटी दिखा रहा है 202117, इतने व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक मेरे चैनल पर, राइट। एंड फोन वेरीफाइड है ये, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। आपका हैंडल होना चाहिए, आपका चैनल का लिंक आपने डाल दिया, कंट्री कौन सी है, क्योंकि अगर आपने सेटिंग नहीं ठीक से की है तो आपके आप कितने सारे वीडियोज़ डाल लीजिए, आप यूट्यूब क्या दिखाएगा आपको कि आप कौन सी कंट्री से हैं, राइट। यूट्यूब को एक यूट्यूब एक इंसान नहीं, उसको पता नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक यूट्यूब जानेगा नहीं, इसलिए सारी सेटिंग आपको ही करनी पड़ती है, और उस सेटिंग के बाद ही आपका चैनल प्रोडक्टिव होगा। आप जिस पर्पज से बना रहे हैं अपने चैनल को तभी वो फ्रूटफुल होगा, राइट। मैं बैक करूँगी इसको एंड मैनेज वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं आप जितने सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। शॉर्ट्स जो डाले हैं, शॉर्ट्स आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो शॉर्ट्स डाले हैं वो सारे शॉर्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ चैनल का, किस तरह से चैनल दिखता है, किस तरह से सेटिंग करते हैं, सेटिंग के बाद क्या क्या चीज़ें दिखती हैं वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। एंड मैं बैक जाऊँगी, मैं करूँगी क्लिक किस पे, स्विच अकाउंट पे क्लिक करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक नया चैनल बनाना है अपना, राइट। मुझे दिखाना है कि किस तरह से अपने चैनल को आप बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, स्विच अकाउंट पे क्लिक करूँगी। मैंने स्विच अकाउंट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आप चैनल को एडिट कर सकते हैं, राइट। मैं दिखा देती हूँ सबसे पहले कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एडिट चैनल पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, एडुटेनमेंट है मैं लिखा हुआ है, हैंडल क्या है, @edutainment89 मेरे हैंडल का नाम है, URL क्या है चैनल का वो मैंने दिया हुआ है www.youtube.com/@edutainment89। एंड डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ के सुनाया था कि आप किसकी किस पर्पज़ से अपना चैनल बना रहे हैं, आप फूड ब्लॉग बनाना चाहते हैं, डेली लाइफ स्टाइल पर अपनी वीडियोज बनाने जा रहे हैं, या फिर अदर गेमिंग पे बना रहे हैं, जिस भी पर्पज से आप अपना चैनल बना रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन पे आप एक बार ब्रीफ करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये चैनल किस पर्पज से बनाया गया है, क्या प्रोवाइड करता है। प्राइवेसी भी मैंने सेट किया हुआ, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो प्राइवेट रखना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल को वो भी लोगों को विजिबल हो, क्योंकि उसको मैंने प्राइवेट रखा हुआ है। बैक जाऊँगी, मैंने स्विच अकाउंट पे फिर से क्लिक किया, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे क्लिक करूँगी, ठीक है। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आप मल्टीपल यूज़र कर सकते हैं, जैसे एक के अलावा आप कई सारे वीडियोस पे आप चैनल बना सकते हैं और उसको स्विच कर सकते हैं, एक ही अकाउंट से कई सारे वीडियोज़ आप चैनल बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक ही चैनल बनाया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को है नहीं। मैं बैक जाऊँगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंट्स के जस्ट राइट हैंड पे प्लस का निशान दिख रहा है आपको, आई होप आपको ये विजिबल होगा, प्लस के निशान पे क्लिक किया मैंने, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो मैंने पासवर्ड अपना लगाया और ये अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, राइट। एंड क्रिएट अकाउंट क्योंकि आपके पास कोई ईमेल होगा तभी आप अपना चैनल बना पाएंगे यूट्यूब पर। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल कोई ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने गूगल पे जा करके अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो सिंपली वो ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं। इधर अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं क्रिएटेड है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल रखेंगे इस प्रोसेस को हम, बहुत कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई तो कन्फ्यूज़न हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्मूथली बताया, सबसे पहले मैंने आपको चैनल का ओवरव्यू दिया कि किस तरह से चैनल दिखता है, आपका हैंडल किस तरह से बनता है, URL क्या होता है, नाम कैसे दिखता है, वीडियोस कैसे दिखते हैं, शॉर्ट्स कहाँ से दिखेंगे। तो मैंने एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया आपको अपने चैनल का, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाएँ। तो राइट, अगर आपके पास ऑलरेडी ऑल्टरनेट कोई ईमेल आईडी पड़ी है जिससे आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वो ईमेल आईडी यूज़ करें और अपना चैनल बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे पास
मुझे आपको बताना है कि किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। तो हम एक नया ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो आप किस पर्पज़ से ये अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप कोई भी चैनल अगर आप बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो पर्सनल यूज़ के लिए तो बनाएंगे नहीं, आप बनाएंगे अपने वर्क के लिए बनाएंगे, बिजनेस के लिए बनाएंगे, अर्निंग पर्पज़ से ही बनाएंगे। तो हम क्लिक करेंगे फॉर वर्क और माई बिजनेस। फर्स्ट नेम क्या रखेंगे, किस नाम से अपना आप चैनल बनाना चाहते हैं, आई मीन टू से पहली बात तो आप ईमेल आईडी बनाने जा रहे हैं तो किस नाम से बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल डालूंगी आशुतोष, मैं आशुतोष के नाम से अपना चैनल बनाना चाहती हूँ, इसलिए ईमेल आईडी भी उसी नाम से मैं क्रिएट करूँगी। लास्ट नेम मैं डालूंगी सिंह। नेक्स्ट पे क्लिक किया, जेंडर क्या है, मेल पे मैंने क्लिक किया, आपका जो भी जेंडर रहेगा आप चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा आपको, तो यहाँ पे जुलाई 15 कर दिया और 1991 कर दिया। नेक्स्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको क्रिएट जीमेल एड्रेस बनाना है, @gmail.com ऑलरेडी आ गया। आप जो भी आप अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी ashutosh.singh999@gmail.com। अगर ट्राई करके देखते हैं, अगर इस नाम से नहीं बना होगा अकाउंट तो आपका बन जाएगा, अगर बना होगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो ये एरर दिखाएगा इस पर। नेक्स्ट किया, देखिए अब इस पर आ रहा है क्रिएट अ जीमेल एड्रेस दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, मतलब कि इस नाम से ऑलरेडी, इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है तो हमें थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको कर दिया ashu.singh999। इसको ट्राई करके देखते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या किया, मैंने नाम ashu.singh और मैंने कुछ डिजिट्स डाल दिए यहाँ पर, राइट, ताकि ये कॉमन ना रहे। तो ये देखिए कॉमन नहीं है, मैंने ashu.singh और कुछ डिजिट्स डाले, उस नाम से अपना ईमेल आईडी क्रिएट किया और वो पास भी हो गया, इट मीन्स कि उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे आप, तो पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डालेंगे, आप शो कराना चाहते हैं नहीं शो कराना चाहते हैं, मैं यहाँ पे हटाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट किया, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट किया, देखिए अब इस पे आ रहा है क्रिएट अ जीमेल एड्रेस दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, मतलब कि इस नाम से ऑलरेडी, इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है तो हमें थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी। मैंने इसको कर दिया ashu.singh999। इसको ट्राई करके देखते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या किया, मैंने नाम ashu.singh और मैंने कुछ डिजिट्स डाल दिए यहाँ पर, राइट, ताकि ये कॉमन ना रहे। तो ये देखिए कॉमन नहीं है, मैंने ashu.singh और कुछ डिजिट्स डाले, उस नाम से अपना ईमेल आईडी क्रिएट किया और वो पास भी हो गया, इट मीन्स कि उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे आप, तो पासवर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डालेंगे, आप शो कराना चाहते हैं नहीं शो कराना चाहते हैं, मैं यहाँ पे हटाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट किया, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो गई है।
नेक्स्ट किया आशु डॉट सिंह, और जो डिजिट डाले हैं ये 9905878 23, ये आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशंस पूछेगा, एग्री पे क्लिक करके, आई एग्री पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल तरीके से आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। आपने चैनल क्रिएट किया है, आई मीन ईमेल आईडी क्रिएट की है, ऑटोमेटिकली आपने यूट्यूब ओपन किया, और यूट्यूब ओपन करते ही आप देख रहे हैं एडुटेनमेंट जो मेरा चैनल ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, और उसके नीचे अदर अकाउंट्स में आपका नाम जो मैंने बनाया था आशुतोष सिंह के नाम से, जो एक ईमेल आईडी नहीं क्रिएट की थी हमने, वो यहाँ पर आपको शो कर रही है। तो अब हम क्लिक करेंगे आशुतोष सिंह पर, जो आपका अदर अकाउंट है, अदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे क्योंकि आप इस पर आप काम करना चाहते हैं। तो आप कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर क्रिएट करके, स्विच अकाउंट करके आप दूसरे चैनल पर स्विच कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी कुछ है इस चैनल पर, बट ये बन तो गया है, बट इसको आपको सेटिंग करना है आपको, ठीक है, आपको इसको ठीक से क्रिएट करना है, आपको एग्जैक्टली वो चाहिए जो आप करना चाहते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पर जो अपना अकाउंट बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, तो किसी न किसी पर्पज़ से बना रहे हैं, राइट, अर्निंग के पर्पज़ से बना रहे हैं, तो वो पर्पज़ पूरा तभी होगा जब इसकी सेटिंग प्रॉपर होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे नीचे कॉर्नर में आप यू का ऑप्शन आ रहा है, यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्रे कलर में है। सबसे नीचे मैं कर्सर लेके दिखा रही हूँ आपको, यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका अकाउंट है, ठीक है। जब यू पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम देखिए यहाँ पर दिखने लग रहा है, आशुतोष सिंह, राइट। अब क्या करेंगे, आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आप सेटिंग पे गए तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरल अकाउंट, डेटा सेविंग, ऑटो प्ले, ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो एक बार जा करके देखेंगे इसमें है क्या सारी चीज़ें। आप देख रहे हैं रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक ऑफ, रिमाइंड मी व्हेन इट्स बेड टाइम ऑफ। तो इतनी सारे सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअल सेटिंग की ज़रूरत है मैं आपको वो करके दिखाऊंगी यहाँ पर, राइट। तो आपने यहाँ पर व्यू चैनल देख रहे होंगे, यहाँ पर व्यू चैनल पे क्लिक किया आशुतोष सिंह के नीचे, एट द रेट आशुतोष सिंह डॉट करके यहाँ पर हल्का सा डैश है, और SM2EB है, उसके सामने व्यू चैनल है, व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ से आपकी एक्चुअल सेटिंग होगी, राइट। अब आपने क्या किया, इस पर पेन पे क्लिक किया, पेन पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका नाम आ गया, किस नाम से आपका चैनल है, राइट, और हैंडल नेम क्या है, URL क्या है चैनल का, डिस्क्रिप्शन क्या है, और प्राइवेसी नीचे उस पर दी गई है, राइट। सो अब हम एक्चुअल सेटिंग यहाँ से करेंगे, जिसके बेसिस पर आप जो भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वो जनता के बीच में, लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोई भी कोई सर्च लगाता है या फिर आपके वीडियोज़ को वॉच करता है तो आपके हैंडल के नाम से दिखता है, तो आपका हैंडल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप जो नाम देना चाहते हैं अपने हैंडल का, जो चैनल का नाम देना चाहते हैं, आप उस नाम से बनाएंगे अपने चैनल को, राइट। तो यहाँ पे सिंपल आशुतोष सिंह है क्योंकि ईमेल आईडी जब बनाते टाइम मैंने आशुतोष सिंह डाला था। अभी यहाँ पर हम आप चैनल का नाम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर चैनल सेटिंग लिखा हुआ रहा है, तो नीचे हम जब नेम पे क्लिक करेंगे, तो मैंने नेम पे क्लिक किया आशुतोष सिंह पे, मैं किस तरह का ये चैनल बनाना चाहती हूँ सबसे पहले तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो मैं एक फूड ब्लॉग बना देती हूँ, राइट, मुझे मेरा पर्पज़ है कि फॉर एग्जाम्पल मैं फूड ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी यहाँ पर किसी फूड से रिलेटेड कोई चैनल का नाम दे दूँगी। तो आप कुछ भी XYZ चूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया गुड लक फूड लव, मैंने ऐसे ही बना दिया। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो डाल दीजिए यहाँ पर, वो आपका चैनल का नाम हो जाएगा गुड लक फूड लव, एंड हैंडल में क्या डालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करना करूँगी, एट द रेट गुड लक, जो भी आप डालना चाहें, डिजिट्स की भी रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पर, कॉम्बिनेशन होता है स्पेशल कैरेक्टर नेम अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स का, तो यहां पर मैं कर दूंगी 89, ओके।
अभी यहाँ पे देखिए सेव कर दिया मैंने, राइट। अब देखिए हैंडल भी बन गया, चैनल का नाम बन गया, हैंडल बन गया, URL अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं पहले URL कुछ और था, अभी चेंज होकर के http://www.youtube.com/@goodluck89। अगर आप अपने चैनल को YouTube पे सर्च करेंगे तो अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं गुड लक फूड लव। एंड अगर आप चाहें कि कई बार क्या होता है कि आपके जो चैनल का नाम होता है बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि मिलियंस में लोग यूज़ करते हैं YouTube को, तो ये जाहिर से बात है कि आपका चैनल कॉमन हो सकता है अमंग देम। वो आपने अपने जाने में तो उसको यूनिक बनाया, बट हो सकता है वो कॉमन हो, आप सर्च करें तो वैसे ही कई सारे चैनल निकल के आ जाए। तो हैंडल जो होता है ना, हैंडल आपका यूनिक होता है, हैंडल से आप सर्च कर सकते हैं अपने चैनल को, या फिर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे चैनल आपका मिल ही नहीं रहा है, कई सारे नाम आते हैं एक ही चैनल से, एक ही नाम से कई सारे चैनल निकल के आ जाते हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि आपका ही चैनल है, तो उस केस में आप उनको बता सकते हैं कि हैंडल से आप सर्च करिए। तो आपका हैंडल होगा @goodluck89, आपका जो भी होगा, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ। जैसे ही नाम और हैंडल चेंज करेंगे, आपका URL अपने आप चैनल का चेंज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप क्या डालना चाहते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स या फॉक्स लिख दीजिए। हियर आई एम, मेकिंग ब्लॉक्स ऑफ फूड, ठीक है। आप इसको डिस्क्रिप्शन प्रॉपर डिटेल में लिख सकते हैं, फिलहाल मैं आप इतना ही लिख करके सेव कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन के लिए, आपको दिखाने के लिए सिर्फ। सो ये हमने बना लिया, तो हमने आप अपने चैनल का नाम क्रिएट कर लिया, हैंडल बना लिया और डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर दिया है। प्राइवेसी में देखेंगे क्या है, कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो प्राइवेट रहे, नीचे लिखा हुआ है छोटी वर्ड्स में लिखा हुआ है, Changes made to your name and profile picture are visible only on YouTube and not other Google services. तो क्या आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, इसको जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। मैनेज योर YouTube चैनल्स बेसिक इन्फो, अब यहाँ पे दिया हुआ है एंड्रॉयड कंप्यूटर आईफोन आईपैड, नेम हैंडल चैनल URL डिस्क्रिप्शन, Add or change your pronouns, channel profile links, privacy. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइन में दिया हुआ है कि YouTube Android app, you can choose to keep all your subscriptions private. आपने जो भी subscriptions लिए हैं YouTube पर वो private होने चाहिए, वो आपको public नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो setting है already private है, ये सही setting है, यहाँ पे ये already off किया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको ऑन किया हुआ है, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट, ठीक है। तो इसको ऑन किया है, ये इसकी रिक्वायरमेंट ही यही है, क्योंकि जो यूज़र है उनको नहीं दिखना चाहिए या फिर ज़रूरत भी नहीं है कि आपने जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हैं अपने चैनल पर किसी भी पर्पज से, तो वो सबको दिखे, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप इसको ऑन करके रखेंगे, राइट, ताकि लोगों को ना दिखे। बैक चाहिए, अब आप चाहें तो यहाँ पर जैसे आपका ये गुड लक फूड लव में देखिए प्रोफाइल में सिर्फ जी आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली गूगल ने ही दिया है इसको, ठीक है। आप कोई भी चैनल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक इमेज वहाँ पर शो करेगी, वो ऑटो होता है, वो अपनी तरफ से गूगल प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि गुड लक नाम से तो जी का करके उन्होंने दिखा दिया इस तरह से, बट आप वहाँ पर अपने प्रोफाइल चूज़ कर सकते हैं। उस पर क्लिक किया प्रोफाइल पर आपने, देखिए आपका जी ये एक तरह से लोगो है। अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इस पे पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जो नाम दिख रहा था गैलरी में जाएंगे, या फिर कैमरे से फ़ोटो खींच करके डाल दीजिए, या फिर आप गैलरी में जाकर के कोई सा भी फ़ोटो आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उस नाम से आप बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या रखूँ यहाँ पर, ठीक है, किस तरह का फ़ोटो यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि आपका चैनल जब बनता है तो वो एक
आप अपने रिकॉर्डिंग उसको स्पेशल बनाना चाहते हैं, वो यूनिक लगना चाहिए। तो यूनिक लगने के लिए थोड़ा सा R&D करनी पड़ती है, उसको दिखाना पड़ता है, अच्छे से आप सर्च करिए, उसके बाद अपना प्रोफाइल लगाइए। मैं यहाँ पे चाहती तो मैं एक नॉर्मल पिक्चर भी डाल सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है तो मैं फूड से रिलेटेड कुछ अच्छी पिक्चर निकाल करके और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई एंड कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसको डालूंगी। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका चैनल कस्टमाइज हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैनेज वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, राइट। वीडियोज यहाँ पर आपको जो भी आप वीडियोज अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको सारे वीडियोज आपको दिख जाएंगे, जो भी शॉर्ट्स आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर दिखेंगे, और जो भी लाइव आपने लिया हुआ है या क्रिएट किया हुआ है तो वो करेंगे। तो लाइव तो फिलहाल अभी नहीं क्योंकि नया चैनल है, तो शुरुआती दौर पे तो आप पहले आप वीडियोस बनाएंगे एंड शॉर्ट्स बनाएंगे, राइट। सो ये हो गया आपका, यहाँ से आप देख रहे हैं शॉर्ट्स इस तरह से दिखेंगे आप बनाएंगे तो, इस तरह से नेक्स्ट करेंगे, राइट, इस तरह से दिखेगा आपको। या फिर आप जा करके यहाँ प्लस का जो साइन दिख रहा है यहाँ पे करके क्लिक, आप डायरेक्ट अपना शॉर्ट्स बनाइए, यहाँ पर एडिटिंग करिए। शॉर्ट्स बनाने के बाद या तो आप यहाँ से अपनी गैलरी से देखें, यहाँ पर साइड में मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, वीडियोस जो सारे हैं यहाँ पर ऑलरेडी वो सारे वीडियोस दिख रहे हैं। अगर इन्हीं वीडियो को आपको डालना है तो वो वीडियो आप अपने फ़ोन में इनको करके और इनको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। साइड में देख रहे हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे साइड में, ये आप पेन पे जैसे क्लिक किया, मैंने रीटच ऑन कर दिया है आपने, इसको मैंने ऑफ कर दिया, अगेन इस पर क्लिक किया, उसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन, स्क्रीन का कलर क्या डालना चाहते हैं वो चेंज करेंगे आप। तो यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई जो भी आपके पास गैलरी में फोटोज या वीडियोज जो डालना चाहते हैं मर्ज करके, जो आप शॉर्ट्स बनाने की आप जो शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप खुद यहाँ पर प्लस का साइन पे करके क्रिएट भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं अपना। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया, जो लाइंस एनालिटिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए क्योंकि चैनल नया है इस पर कुछ एनालिटिक्स नहीं देखने को मिलेगा, आपको अपने एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, वीडियोस जो आप डालेंगे उन वीडियोस को के एनालिटिक्स को, मतलब क्या किस तरह से लोग के बीच में ये जा रहा है, लोगों ने कितना देखा है, क्या सोर्सेज रहे हैं, इंटरनल सोर्सेज रहे हैं या बाहर से, आप जब सर्च कोई लगाता है तो सर्च के थ्रू लोग आपको जान रहे हैं या फिर शेयरिंग के थ्रू जान रहे हैं। यहाँ पे एनालिटिक्स जो मैनेज व्यूड वीडियोस के साइड में जो जो लाइंस दिख रही है ना एनालिटिक्स का, ये शाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने वीडियोस के एनालिटिक्स मिलेंगे कि किस तरह से आपकी वीडियोस परफॉर्म कर रहे हैं चैनल पर। और पेन पे क्लिक किया तो आपने देखा कि आपने सब चीज़ें चेंजेस किया, यहाँ पर अपने हैंडल चेंज किया, नाम चेंज किया, ये सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए आपका चैनल बन के तैयार हो गया है, और तैयार होने के बाद फिर आपको करना क्या है, आप सिंपली आप अपने वीडियोस को जा करके बना सकते हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। सो आगे मैं इसके अपने फ़ोन में अगर आप studio.youtube.com डालेंगे तो आपका ये पेज ओपन होके आ जाएगा। फ़ोन में कई बार ओपन नहीं होता है, इन द सेंस कि क्योंकि कुछ सेटिंग्स ऐसे होती है जो आप फ़ोन से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, सिंपली मैंने आपको ईमेल आईडी क्रिएट की, चैनल का हैंडल चेंज किया, नाम चेंज किया और डिस्क्रिप्शन में सब डाला और दिखाया कि किस तरह से आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह से वो विजिबल होगा, वीडियोस कैसे अपलोड करेंगे, वीडियोस दिखेंगे कहाँ से, शॉर्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्ट एंड अपलोड भी कर सकते हैं, जो वीडियोस आपने बनाए अपने फ़ोन में पड़े हुए हैं ऑलरेडी उनकी एडिटिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा उसके जो सेटिंग्स किए हैं हमने वो तो सिर्फ हमने चैनल का नाम दिया, हैंडल बताया, अब प्रॉपर जो सेटिंग होती है अभी भी बाकी है, सो उसको मैं आपको अपने लैपटॉप से करके दिखाऊंगी, राइट। सो मैंने क्या किया, सिंपल अपना चैनल ओपन किया, यूट्यूब पे गई, studio.youtube.com, देखिए यहाँ पे URL में दिख रहा है आपको, ये डाला और ये सिंपली ओपन हो गया। जब आप अपने चैनल को ओपन कर लेते हैं तो आप सेटिंग में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सबसे नीचे, ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, सबसे नीचे आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक किया मैंने, क्योंकि जो चैनल ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, मैं उस पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सेटिंग्स कैसे ऑलरेडी की है, नए चैनल पे भी मैं दिखा सकती हूँ, बट यस मेरा चैनल ऑलरेडी है यहाँ पर, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा विजिबिलिटी एंड क्लैरिटी मिलेगी।
तो सबसे पहले जब हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद जनरल पे क्लिक किया, तो आप जो अपनी अर्निंग है कैसे कमाना चाहते हैं, डॉलर में कमाना चाहते हैं या फिर जो देखिए सारे करेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं, राइट। तो सिंपली क्योंकि जो यूट्यूब है ना वो आपको डॉलर में पैसा देता है, तो आप डॉलर यहाँ पे यूएसडी डैश यूएस डॉलर सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपको जो भी है आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में है, यहाँ पर आप ये चूज़ कर सकते हैं, इससे आप जो भी करेंसी आपको लगे कि ये चूज़ करना चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे यूएस डॉलर चूज़ किया हुआ है। इसके बाद आप गए जनरल के बाद आप गए चैनल पे, चैनल की सेटिंग आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब को बताना होगा कि ये जो चैनल है ये कहाँ से है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। यूट्यूब को नहीं पता है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, राइट। तो यूट्यूब को आपको बताना पड़ेगा, अपनी सेटिंग में अपने चैनल को बताना होगा कि आप भाई यहाँ से हो, राइट, बेसिकली आप कहाँ से रूट करते हो, किस जनता को आपकी वीडियोस को दिखाना है, आप इंडिया से हो, यूएस से हो, यूरोप से हो, इटली से हो, कहाँ से हो, जापान से हो, क्योंकि मेजरली आप जिस कंट्री से होते हैं कहीं ना कहीं उसका एक आपके पास टच बेस रहता है, राइट। तो उसी से ग्राउंड होकर, मतलब उसी से ग्राउंडेड आप रहते थे, उसी से रिलेटेड आप वीडियोज़ डालते हैं, आपकी लैंग्वेज भी वैसे रहती है, चीज़ें भी उसी तरह से एक फ्लो में काम करती हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंट्री की सेटिंग करेंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। आप चाहें कि बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, इवन वॉच भी बहुत अच्छा है, व्यूज़ भी अच्छे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो भी आपने कंप्लीट कर लिया, बट स्टिल आपने अगर प्रॉपर सेटिंग नहीं की है तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा ऐसे, राइट। आप अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक जो आपका जो मोटो आपका है चैनल क्रिएट करने का, आई गेस वही होगा, राइट, हर इंसान का वही होता है कि थोड़ा उसकी अर्निंग हो, राइट, वो एक्सप्लोर कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो वो अर्निंग के लिए ही कर रहा है। तो सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाएंगे, चैनल में जाएंगे, चैनल में जाकर के आप अपनी कंट्री को चूज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ चैनल, मैंने इनिशियली भी बोला था, सिर्फ चैनल बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उसकी सेटिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर चैनल की सेटिंग ठीक नहीं है तो फिर आपका चैनल बनाना और टाइम देना बेकार है। सो उसको हम क्यों बेकार जाने दें, ज़ाया क्यों जाने दें, हम प्रॉपर करेंगे, राइट, हर चीज़ को। यहाँ पर चैनल में गई, बेसिक इन्फो में इंडिया सेलेक्ट किया, राइट, मैंने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट किया था। आप जिस भी कंट्री से हैं, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स देखिए, यहाँ पर सारी कंट्रीज़ के नाम है, वहाँ पर आप डालेंगे और चूज करेंगे, मैं इंडिया चूज किया। कीवर्ड्स में आप क्या डालना चाहते हैं, कीवर्ड्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इंटर कॉमन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो यहाँ पर आप ऐड कीवर्ड्स कर सकते हैं, राइट, आप डालना चाहे डालो, नहीं डालना चाहे नहीं डालो, मैंने नहीं डाला है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, राइट। अब मैं सेटिंग में गई, अगेन मैं दिखा रही हूँ आपको, जनरल वाला आपने देख लिया था, यहाँ पे हमने करेंसी चूज करनी थी, चैनल में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में कंट्री चूज करनी है। अब आपकी आ गई एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में क्या है आप मैं दिखा देती हूँ आपको, ऑडियंस वाला यहाँ पे दिया हुआ है, सिंप्लीफाई योर वर्क फ्लो बाय सेलेक्टिंग ए चैनल सेटिंग, इफ यू स्किप दिस क्वेश्चन यू विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ईच वीडियो ऑन योर चैनल दैट्स मेड फॉर किड्स, दिस सेटिंग विल अफेक्ट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर वीडियोज सेटिंग फॉर इंडिविजुअल वीडियोज will override the channel setting. I hope you understand क्या मैं कह रही हूँ और क्या मैंने पढ़ा यहाँ पर। Basically यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो आपका channel है किसको दिखाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए तीन options है, do you want to set your channel as made for kids? Yes. तो यहाँ पर आपने तीन options है, तीन bulletins में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला है yes set this channel as made for kids. तो आपके video किसके लिए बना रहे हैं आप, kids के लिए बना रहे हैं आप, कोई cartoon शो बना रहे हैं, कार्टून से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, टॉयज पे डालते हैं, तो अगर बच्चों को लेकर के, किड्स को लेकर के आप अपनी वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पर आप चूज करेंगे येस दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स। अगर दूसरा ऑप्शन है नो दिस सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर चिल्ड्रेन, तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जो वीडियोज होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, सो वो वीडियोस बच्चों को काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो किड्स होते हैं उनके लिए किसी काम का नहीं है, राइट, तो मैंने इसलिए नो चूज़ किया है। थर्ड ऑप्शन है आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियोस, तो अगर आप चाहते हैं कि हर बार जब भी जो कोई वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं तो हर बार आपको ये सेटिंग पे वो आपको जब आप नेक्स्ट करेंगे वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पर एक पेज आ जाएगा जहाँ पर वो आपको एवरी टाइम पूछेगा
ये वीडियो किस लिए है, बच्चे के लिए है या फिर बड़ों के लिए है, किस टाइप का वीडियो, हमें सब आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको बार बार एक ही चीज़ करने से अच्छा है कि आप सेटिंग में जा करके आप सेटिंग कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आपका वीडियो किस लिए बनने जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा मैंने दूसरा चैनल बनाया था वो बनाया है फूड से रिलेटेड, तो मैं ऑब्वियसली वो भी आपके बच्चों के काम का नहीं है फूड से रिलेटेड, तो मैं उसको नो ही चूज करूंगी उसमें भी अगर सेटिंग करती हूँ तो। अब नीचे आ गए गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, ठीक है, लिंक अकाउंट, आप लिंक अकाउंट करना चाहते हैं राइट, इस पे वीडियोस है तो इस पे इसका इतना स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक कैप्शंस, डोंट अलाउ पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो यहाँ पर आप इस पे टिक कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि गूगल ऑटो फिच क्या करेगा राइट, तो इसको छोड़ दो आप राइट। डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, ये भी हटा दो, इसको करने की जरूरत नहीं है। अलाउ व्यूवर्स टू क्लिप माई कॉन्टेंट, क्योंकि आपकी अर्निंग चैनल की तभी होगी जब आप इसको अलाउ करेंगे राइट। आप हर चीज़ को प्राइवेट करके रखेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, उसको आप सोशल मीडिया पर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको आप अलाउ करिए राइट, ताकि व्यूवर्स अगर आपके कुछ कंटेंट अच्छे हैं तो वो आपकी क्लिप को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अलाउ नहीं करना है तो इसको आप अनटिक कर सकते हैं, मैंने इसको टिक किया हुआ है राइट। अब जाएंगे हम फीचर एलिजिबिलिटी में, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फीचर्स, अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड ऐड कोलैबोरेटर्स एंड न्यू वीडियोस टू प्ले, इसको मैंने इनेबल किया हुआ है राइट। इसमें देखिए मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो इन पे इनेबल, यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा हुआ है वीडियो अपलोड्स, प्लेलिस्ट क्रिएशन, ऐड कोलैबोरेशन टू प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियो टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, तो इसको मैंने इनेबल किया हुआ है राइट। वैसे ही यहाँ पर है इंटरमीडिएट फीचर्स, वीडियोस ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स एंड लाइव स्ट्रीमिंग, इसको भी मैंने इनेबल किया हुआ है। एडवांस फीचर्स, तो आपको इनेबल ही इनेबल करना है, कुछ करना ही नहीं है ठीक है, आपको इसको इनेबल ही करना है। इसको क्लोज किया राइट। अब मैं सेटिंग में अगेन गई क्योंकि क्लोज करने पर वो पूरा ही बंद हो जा रहा है, तो मैं अगेन इस पर जा रही हूँ। एंड तीसरा है अपलोड डिफॉल्ट्स राइट। तो जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बेसिक इन्फो पे क्लिक किया आपने, टाइटल, क्योंकि आपका हर बार जब वीडियो डालेंगे तो टाइटल एक ही नहीं रहेगा, इसलिए आपको टाइटल यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसका टाइटल एक ही होगा, तब तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइटल यहाँ पर डाल दीजिए। जब आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपके टाइटल ऑटोमेटिकली यही ले लेगा जो आप यहाँ पर डालेंगे, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे एक्स वाई जेड यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी चैनल, किसी भी तरह का चैनल हो, आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपके कंटेंट एक ही टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं या फिर ऐसा वीडियो डाल रहे हैं जिसका सब्जेक्ट लाइन एक ही हो, उसका टाइटल एक ही हो, ऐसा तो होगा नहीं, तो इसको आप छोड़ दो। डिस्क्रिप्शन में जो आपका लगता है कि मैंने इनिशियल क्या लिखना है, जैसे मैंने लिखा है इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू फिक्स, या फिर आई एम गोइंग टू शो यू फूड ब्लॉगिंग एंड ऑल, तो इस तरह से आप कुछ लाइन, अगर कुछ वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं राइट। मैंने यहाँ पर इतना ही लिखा है राइट, उसको सेटिंग किया है, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ अपना अपलोड करती हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन में ये लाइन हमेशा आ जाती है, उसके बाद मुझे जो भी ऐड करना होता है आगे वो मैं ऐड कर देती हूँ राइट। और आप चाहें तो इसको भी ब्लैंक रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग अलग देना है तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का नाम यहाँ पर जो भी है राइट, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका वीडियो क्या है, पब्लिक है, ऑब्वियसली आपके वीडियोस जो भी अब यहाँ पे अपलोड करेंगे चैनल पे डालेंगे वो पब्लिक ही रहेगा, प्राइवेट तो रहेगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, तो मैंने पब्लिक पे क्लिक किया। ये सेटिंग ऑलरेडी करके रखिए ताकि आपको बार बार ये चूज ना करना पड़े, क्योंकि ये सारी सेटिंग आप पहले से करके रखेंगे तो ये होगा कि आपका जो टाइम कंज्यूम करेगा एक्स्ट्रा, जो भी वीडियोस आप डालेंगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम नहीं होगा राइट, वो बचेगा। तो जहां तक होगा सेटिंग से यही फायदा होता है कि आपका टाइम सेव होता है, बार बार एक ही चीज को नहीं करना पड़ता है एवरी टाइम वीडियो में। अब ये जो सेटिंग्स आप कर रहे हैं हर वीडियो में आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियोस के टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और आप थंबनेल डाल करके नेक्स्ट करके उसको पब्लिश कर देंगे। शॉर्ट्स डालते हैं तो शॉर्ट्स के भी उसी तरह से जाते हैं राइट।
अब टैग लाइन में क्या डालना था, कुछ टैग लाइन किसी कॉमन होता है, जैसे मेरे का है कि हाउ टू फिक्स, ये कॉमन होता है, तो मैंने यहाँ पर ये दो डाल दिए टैग्स, उसके बाद में और भी एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने टैग्स में ये सेव कर दिया है, राइट। तो ये मेरी सेटिंग ऑलरेडी देख रहे हैं आप अपनी वीडियो जब डालेंगे तो आपको पता होगा कि टैग में मेरे क्या कॉमन वर्ड्स रहते हैं, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि बार बार आपको हर वीडियो में लिखने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आए, उसके बाद आपको जो भी ऐड करना है वो कर सकते हैं। ये हो गई आपकी बेसिक इन्फो में, ये सेटिंग हो गई। एडवांस सेटिंग में आप गए, लैंग्वेज क्या है आपका एडवांस सेटिंग में, अब लाइसेंस क्या है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ऑब्वियसली आपका यही रहेगा, क्रिएटिव कॉमन अट्रिबूशन तो ये छोड़ दीजिए, आप यही चूज करेंगे। कैटेगरी क्या है, मैंने एजुकेशन डाला है, आप इसको देखेंगे कि क्या है मेरा, आपका कार्स एंड व्हीकल्स पे आप वीडियोस बना रहे हैं, कॉमेडी रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, एजुकेशन पे है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस आप बना रहे हैं, फिल्म एंड एनिमेशन से बना रहे हैं, गेमिंग को लेके बना रहे हैं, या फिर हाउ टू एंड स्टाइल पे बना रहे हैं, म्यूजिक पे बना रहे हैं वीडियोस, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, या फिर आप नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म पे डाल रहे हैं, पीपल एंड ब्लॉग्स पे डाल रहे हैं, या पेट्स एंड एनिमल्स पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाल रहे हैं, स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, या फिर ट्रैवल एंड इवेंट्स में डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूज करूँगी, राइट, क्योंकि एजुकेशन में भी डाल सकती हूँ, बट ये जो मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ ज़्यादातर वीडियोज़ मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होंगे, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर ये चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज क्या होगा वीडियो का, हिंदी इंग्लिश या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर यू नो गोइंग टू पुट ऑन दी चैनल, यू कैन चूज फ्रॉम हियर। तो मैंने इंग्लिश ही चूज किया, मेरा इंग्लिश है, राइट। इंग्लिश अब इस इंग्लिश में भी पूछेगा कि यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश चाहिए, आयरलैंड की चाहिए इंग्लिश, इंडिया चाहिए, या फिर यूएस की चाहिए आपकी, तो आप इंग्लिश इंडिया कर दीजिए क्योंकि आप इंडिया से हैं, राइट। आप डाल दीजिए सिंपली यहाँ पर, कैप्शन सर्टिफिकेशन में नन कर दिया है मैंने, ठीक है। दिस कंटेंट हैज नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन इन द यूएस, सो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पे नन किया है सिंपली। आप जब बनाएंगे अपना तो आप पढ़ लेना कि आपको क्या चूज करना है, राइट। कमेंट्स ऑन कर दिया है कि कोई भी आपके वीडियोस पे कमेंट डाले तो उसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं ऑफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए किसी का कमेंट, तो उसको ऑफ कर दीजिए, बट अदर देन उसको ऑन ही रखिए, राइट। शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, कई बार आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस को लोग देखें कि कितना व्यूज कितने लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर आप उसको टिक कर देंगे, हाउ शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, मैंने इसको अनटिक किया हुआ है, आप चाहें तो उसको दिखा सकते हैं, राइट, और इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, तो जनरल जो मैंने बताया, ये तीन जो ऊपर के ऑप्शन से ये मेजर चेंजेस यहाँ से होती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, राइट। और इसमें फिर आपका बेसिक इन्फो एंड एडवांस सेटिंग हो गई। अब आप जाएंगे परमिशंस में, क्या आप क्या हैं, ठीक है, singh.smita213 ईमेल आईडी है मेरी, क्या है आप, ओनर है, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा हुआ आ रहा है, कम्युनिटी ऑटो ले लेता है, कम्युनिटी क्या है, ऑटोमेटेड फिल्टर, तो यहाँ पे मैनेजिंग मॉडरेटर्स, ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मेजर सेटिंग होती है ऊपर के तीन ऑप्शन से ही होती है, राइट। सो ये सेटिंग हमने करके देख लिया है और अब हमारा चैनल बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से अपने चैनल को आप बनाएंगे, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक बताया कि किस तरह से आप अपने चैनल को बनाने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है, पहली वो कि आपको अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी होती है, क्रिएट करने के बाद आप अपने चैनल को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप उसमें एडिट करते हैं, अपने यूट्यूब का चैनल का नाम देंगे, थंबनेल बनाएंगे, एंड थंबनेल इन द सेंस कि हैंडल बनाएंगे, हैंडल बनाने के बाद आप अपना डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे किस तरह का वीडियो आप डालते हैं और डालने वाले हैं, तो वो लिखेंगे आप। उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप बेसिक सेटिंग्स करेंगे, एडवांस सेटिंग करेंगे, जिसमें आप अपने चैनल का किस कंट्री से आपका चैनल है वो बताएंगे, आपका चैनल किस कैटेगरी का है, आप वीडियोज जो डालते हैं किस कैटेगरी का है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, म्यूजिक से रिलेटेड डाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे डाल रहे हैं, किस तरह का वीडियो डालते हैं वो चूज करेंगे आप।
उसी तरह आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे। तो ये सारी सेटिंग हमने की और मैंने आपको ये भी बताया कि अपनी वीडियोस को आप किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से एडिट कर सकते हैं। एडिट के बहुत सारे ऐप्स आते हैं अपने वीडियोस को बनाने के लिए, आप एडिट कोई भी एडिटिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं, एडिट करके डालिए, थंबनेल बनाइए। थंबनेल जब कोई वीडियो का बनाते हैं आप तो ज़रूर देखें कि थंबनेल गूगल पे एक बार सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए कि अट्रैक्टिव थंबनेल, क्योंकि आप कोई भी वीडियो डालते हैं तो आपके थंबनेल का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आपके थंबनेल को देख करके ही आपकी वीडियो पे लोग क्लिक करते हैं। तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और सिंपल एंड सोबर होना चाहिए ताकि लोग उसको देखें और आपके चैनल की इससे रीच बढ़े। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये हेल्प करने वाला है और हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।